नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक एस्ट्रो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला ऑप्शन है, उसे दबाएं। फिर आपको बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन दिखाई देगा, उसे अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आप प्राप्त करते रहेंगे। तो मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं शिवरात्रि पर्व पर यह 12 कार्य भूल कर भी नहीं करें, नहीं तो भगवान शिव के क्रोध का भाजन हम बन सकते हैं। तो मित्रों, महाशिवरात्रि जो पर्व है वह हिंदुओं का प्रमुख पर्व है, प्रमुख त्यौहार है। यह भगवान शिव के पूजन का सबसे बड़ा पर्व भी बताया गया है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है और माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उतनी जल्दी ही क्रोधित भी हो जाते हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा में कुछ बातों का हमको विशेष ही ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, इस दिन देर तक हमको नहीं सोना चाहिए, यानी प्रातःकाल जल्दी हमको उठ जाना चाहिए और इस दिन बिना स्नान किए कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यदि व्रत नहीं करते हैं तो भी बिना स्नान के भोजन, अन्न, फल आदि कुछ भी हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जरूरी है ध्यान रखने की बात है कि अगर शिवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान कर लेना चाहिए और गर्म पानी से शरीर को शुद्ध कर लेना चाहिए। नए वस्त्र पहनना आवश्यक नहीं है, लेकिन साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र इस दिन पहनना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ वस्त्र यदि हम पहनते हैं तो हमारा मन भी स्वच्छ ही रहेगा। और इस दिन शिवरात्रि पर चावल, दाल, गेहूं से बने हुए खाद्य पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो चावल है उन्हें देव अन्न कहा जाता है। देव अन्न को इस दिन प्रयोग में नहीं लाना चाहिए और भक्तजनों को फल, दूध, फलाहार इत्यादि का सेवन कर लेना चाहिए, वह भी सीमित मात्रा में। और मित्रों, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि देवो भूत्वा देवम यजेत। यदि आपको देवताओं को प्रसन्न करना है तो उनके जैसे ही वस्त्र आदि हमको धारण करना होता है। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य और दरिद्रता घर में आती है। ऐसा करने से धन की हानि होती है और घर में बीमारियां भी आती है और इसका पाप भी लगता है। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भजन, स्तुति, आरती आदि करना चाहिए। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण करके और भगवान शिव को तिलक लगा करके फिर तोड़ना चाहिए। भगवान शिव पर विशेष करके इन वस्तुओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। मित्रों, शिवलिंग पर कभी भी तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्र जो है भगवान विष्णु को चढ़ाई जाती है, इसलिए भगवान शिव पर इसे भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और मित्रों, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि पाश्चुरीकृत या पैकेट का दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी ठंडा दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। अभिषेक हमेशा ऐसे पात्र या ऐसी धातु से करना चाहिए जो सोने की हो, चांदी की हो, कांसे की बनी हुई हो। और अभिषेक करने के लिए कभी भी स्टील, प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए, इसका फल नहीं मिलता है। भगवान शिव को भूल कर भी केतकी और चंपा का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने श्रापित किया था, ऐसा धर्म शास्त्रों में दिया गया है। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भगवान भोलेनाथ की पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता है। और मित्रों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में कभी भी टूटे हुए चावल हमको नहीं चढ़ाना चाहिए।
अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल, यह पूर्णता का प्रतीक होता है। खंडित चावल कभी भी किसी भी पूजा में प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए, इसलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाने समय यह देख ले कि चावल टूटे हुए खंडित आदि तो नहीं है। और शिवलिंग पर हमेशा सबसे पहले भगवान शिव को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए, शुद्ध जल के बाद पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी दूध घी शहद शक्कर आदि से बना हुआ पंचामृत, उसके बाद फिर गंगा जल से स्नान करावे, फिर केसर से भगवान को स्नान करावे, फिर चंदन के जल से स्नान करावे, फलों के रस से भी भगवान को स्नान करावे, फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके उनका श्रृंगार करना चाहिए। और जो लोग चार प्रहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले प्रहर का अभिषेक जल से करना चाहिए, दूसरे प्रहर का अभिषेक दही से करना चाहिए, तीसरे प्रहर का अभिषेक शुद्ध घी से और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। इस प्रकार करने से भगवान शिव अपने भक्त पर शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। मित्रों, शिवरात्रि पर्व पर तीन पत्रों वाला बिल पत्र शिव को अर्पण करना चाहिए और डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो, भगवान शिव की तरफ डंठल नहीं हो, और टूटे हुए या कटे फटे बिल पत्र भगवान शिव को कभी भी भूल कर भी अर्पण नहीं करना चाहिए, इसका दोष लगता है। और भगवान शिव को दूध गुलाब जल चंदन दही शहद घी चीनी यानी शक्कर और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर का फल जरूर अर्पण करना चाहिए, क्योंकि बेर को चिरकाल का प्रतीक माना जाता है। बेर का फल चढ़ाने से भगवान शिव शीघ्र भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं। और मित्रों, ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफेद रंग के फूल ही चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग के फूल ही प्रिय है। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगाना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी कंकु का तिलक नहीं लगाना चाहिए, कंकु और सिंदूर भगवान शिव के ऊपर नहीं चढ़ता है। हालांकि भक्तजन माता पार्वती और भगवान गणेश जी की मूर्ति पर कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं। तो मित्रों, यह थी शिवरात्रि पर्व पर कुछ जानने योग्य बातें। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस धार्मिक ज्ञानवर्धक जानकारी को अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। फिर मिलेंगे।